नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मेरे कलेक्शन के 5 रुपए के नोटों के बारे में। हमारा पहला 5 रुपए का नोट 1937 यानी 1937 में जारी किया गया था। इस ब्रिटिश कालीन 5 रुपए के नोट के व्यवहार को 27 अक्टूबर 1957 यानी 27 अक्टूबर 1957 के डीमोनेटाइजेशन के साथ बंद कर दिया गया। इस नोट के दाहिनी ओर किंग जॉर्ज सिक्स की तस्वीर बनी हुई थी और नोट के बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह था जहां पे किंग जॉर्ज सिक्स का वाटरमार्क बना हुआ था। नोट के बीचों बीच सीरियल नंबर लिखा हुआ था और नोट के पिछले भाग में नोट के बीचों बीच विभिन्न भारतीय भाषाओं में 5 रुपया लिखा हुआ था। इस नोट पर भी 5 रुपये की जगह 5 रुपया लिखा गया था। ये गलती ब्रिटिशकालीन सभी नोटों में पाया जाता है। नोट के पिछले भाग में जहाँ किंग जॉर्ज का वाटरमार्क बना हुआ था वहाँ पर RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो भी बना हुआ था। ये नोट उस समय के RBI गवर्नर JB टेलर के सिग्नेचर के साथ में जारी किया गया था। इस नोट के साइज की वजह से इस नोट को फाफड़ा इशू भी कहा जाता है। इस नोट का साइज 128x74 mm है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे रखा है जहाँ से आपको अब तक के सारे RBI गवर्नर्स और उनके टेलर्स के बारे में जानकारी हासिल होगी। मेरे कलेक्शन का दूसरा 5 रुपए का नोट 1957 यानी 1957 के डीमोनेटाइजेशन के बाद जारी किया गया था। ये नोट 1957 से लेकर 1967 यानी 1957 से लेकर 1967 तक इशू किया जाता रहा और ये नोट उस समय के RBI गवर्नर बेनेगल रामाराव के सिग्नेचर्स के साथ में पाया जाता है। इस नोट की भी साइज पिछले नोट जैसा 128x74 mm था और ये नोट भी फाफड़ा इशू के नाम से जाना जाता था। नोट के अगले भाग में दाहिनी तरफ भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ को दर्शाया गया था और नोट की बाईं तरफ अशोक स्तंभ का वाटरमार्क भी बना हुआ था। नोट के पिछले भाग में RBI का लोगो बना हुआ था। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 5 रुपया लिखा गया था। 4 सामने की ओर और 2 पीछे की ओर हिरण दर्शाए गए थे। इस नोट पर भी 5 रुपये की जगह 5 रुपया लिखा हुआ था जो कि एक ब्रिटिशकालीन गलती थी। नोट के दोनों तरफ 5 तिरछे कोण में लिखा गया था। अगला 5 रुपये का नोट 1969 से लेकर 1970 यानी 1969 से लेकर 1970 तक इशू किया जाता रहा। ये 5 रुपये का नोट महात्मा गांधी के बर्थ सेंटेनरी यानी महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया था। नोट के पिछले भाग में महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी और RBI का लोगो बना हुआ था और सामने की ओर दाहिनी तरफ भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी और नोट के बाईं तरफ वाटरमार्क की जगह बनी हुई थी जिस पर अशोक स्तंभ का वाटरमार्क बना हुआ था। ये नोट RBI गवर्नर BN अडरकर के सिग्नेचर के साथ में है। अगला नोट 1970 यानी 1970 में इशू किया गया था। ये नोट 4 डियर्स के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इस नोट के पिछले भाग में 4 हिरणों की तस्वीर बनी हुई थी। इस नोट पर RBI का लोगो भी बना हुआ था और बाईं तरफ विभिन्न भारतीय भाषाओं में 5 रुपये लिखे हुए थे। ये नोट मेरे पास उस समय के RBI गवर्नर S जगन्नाथन के सिग्नेचर्स के साथ में मौजूद हैं। ये सारे नोट 117x63 mm के थे। अगला नोट 1962 से लेकर 1970 यानी 1962 से लेकर 1970 तक जारी किया जाता रहा। ये नोट उस समय के RBI गवर्नर LK झा के सिग्नेचर्स के साथ में जारी किया गया था। नोट के पिछले भाग में पिछले 5 रुपए के नोट जैसा ही 4 हिरणों का तस्वीर बना हुआ था, RBI का लोगो बना हुआ था और विभिन्न भारतीय भाषाओं में 5 रुपए लिखे हुए थे। सामने की ओर पिछले नोटों जैसा ही दाहिनी तरफ भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी और बाईं तरफ वाटरमार्क की जगह अशोक स्तंभ का वाटरमार्क बना हुआ था। अगला नोट 1970 से लेकर 2002 तक इशू किया जाता रहा यानी 1970 से लेकर 2002 तक। इस नोट के सामने की तरफ दाहिनी ओर विभिन्न भारतीय भाषा में 5 रुपये लिखे हुए थे और उसके ठीक बगल में भारतीय राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ को दर्शाया गया था और बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह छोड़ी गई थी जिस पर अशोक स्तंभ का वाटरमार्क बना हुआ था। सामने की ही ओर नोट के पिछले भाग में RBI का लोगो बना हुआ था और उस समय के RBI गवर्नर विमल जालान के सिग्नेचर्स थे और नोट के पिछले भाग में भारतीय कृषि को दर्शाया गया था जिसमें एक किसान ट्रैक्टर की मदद से अपना खेत जोत रहा होता है।
ये नोट भी 117x63 mm की थी। 5 रुपये के नोटों में महात्मा गांधी सीरीज 2002 से लेकर 2011 यानी 2002 से लेकर 2011 तक जारी किया जाता रहा। इस नोट की साइज भी 117x63 mm की थी। नोट के सामने की ओर दाहिनी तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी और बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह बनी हुई थी जिस पर महात्मा गांधी का वाटरमार्क बना हुआ था। नोट के दाहिनी ओर RBI का लोगो बना हुआ था और उस समय के RBI गवर्नर बिमल जालान के सिग्नेचर्स थे। पिछले ही नोट की तरह इस नोट पर भी भारतीय कृषि को दर्शाया गया था और नोट की बाईं ओर विभिन्न भारतीय भाषाओं में 5 रुपये लिखे हुए थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।